इस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ेंगे इसके मेन प्रोपाउंडर हैं कार्ल कार्लवन सावेक्नी जो कि फाउंडर भी हैं स्कूल ऑफ थाट के तो कार्ल कार्ल्वन सावेक्नी एज़ आई हैव ऑलवेज़ टोल्ड कि एक ज्यूरिस्ट के बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड वाई दे हैव प्रोपाउंडेड सच एंड सच थ्योरी तो कार्ल काल्वन सेवेक्नी के हम एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा तो ही वॉज बोर्न इन सेवनटीन नाइनटी सेवनटीन सेवेंटी नाइन राधर इन फ्रैंकफोर्ड जर्मनी he was raised by a lawyer and he was taught international law and natural school of thought natural law basically so here we can draw parallels here that he has a historical school of thought propound, theory right which is basically a reaction to a natural school of thought now when he has learned natural school of thought to this extent it's it's natural that he would be in a best place

ठीक है और जिस टाइम की वैन ही वॉज लिविंग इन जोमनी जोन वॉज गोइंग थ्रू रोमांटिक पीरियड अब ये पीरियड वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं रोमांटिक पीरियड इज़ रैदर अबाउट वेन पीपल स्टार्ट एक्नोलजिंग अपने ओन ट्रेडिशन अपने ओन कल्चर अपनी लैंग्वेज अपने इथोस को ज़्यादा मानना शुरू कर देते हैं उसको ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं तो उसको हम uh, रोमांटिक पीरियड बोलते हैं यू नो इट कैन ऑल्सो हैव पैरल विद नेशनलिज्म जो कि आजकल इंडिया में भी हो रहा है कि हम अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को ट्रेडिशन को ज़्यादा मान रहे हैं तो यहाँ पर नेशनलिज़्म बढ़ता है बट एज़ यू नो ज़्यादा नेशनलिज्म से ज़्यादा इट बिकम्स एक्सट्रीम एंड देर आर वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट्स टू इट एज वेल वो हम आगे भी देखेंगे इसमें एक्चुअली तो आफ्टर रोमांटिक पीरियड क्या हुआ लोगों ने रियलाइज़ किया कि दे डू नॉट वॉन्ट समथिंग विच इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट और वेरी आर्बिट्रेरी यहाँ पे बेसिकली वो हिंट कर रहे हैं नेचुरल स्कूल ऑफ़ थाट की तरफ़ क्योंकि नेचुरल स्कूल ऑफ थाट में आप देखोगे तो लॉ इज़ डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉन्टेक्सट ऑफ मोरालिटी कि किसका मॉरल कंपस है क्या ये मॉरल है क्या वो इमोरल है तो ये सब चीज़ें बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं बहुत आर्बिट्रेरी हैं फॉर वन इट कुड भी मॉरल फॉर अनदर इट कुड भी इमोरल तो हमें लोगों ने ऐसा रियलाइज़ किया कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए वी वॉन्ट समथिंग कॉन्क्रीट एंड वट कॉन्क्रीट विड देंट बाई इट कि द लॉ शुड एक्चुअली इवॉल्व

sawak that law should be evolving at all times and uh, how it should be evolving by seeing at the history history of people there सो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड डारवेनियन बिफोर डारविन अब डारविन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन दी थी ऑन लिविंग बींग्स ही इज़ फ्राम डिफरेंट डिसिप्लिन ऑल टुगेदर वो बायोलॉजी के थे यहाँ पे हमारे सावेग्नी जूरिस्ट हैं लॉ लॉ फील्ड के हैं तो जो डार्विन है एंड ही गेव इज़ थ्योरी लेटर ऑन आज इन सावेग्नी ने अपनी थ्योरी पहले दी तो इनको इसलिए डारवेनियन बिफोर डारविन बोला गया है तो साविग्नी एज आईव टोल्ड यू गाई कि ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थाट हिस्टोरिकल स्कूल जो बोलता है कि ट्रेसिस ऑफ लॉ इज़ फाउंड इन हिस्ट्री और अगर हम इसको क्रिस्टलाइज़ करेंगे इन ट्रेसिस को तो वी विल फाइंड कि वट लॉ इज़ शुड बी टुडे इज़ दैट लॉ जो हमने हिस्ट्री में देखा था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एंड यू नो देयर जो कॉमन कि अगर फ्रांस में जो होता है वो पूरे यूरोप में इम्पैक्ट करता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज़ वन ऑफ द मेजर यूरोपियन यू यूरोपियन रिफॉर्म्स विच हार्ट हैपेंड और

अब ये सारी चीज़ें थोड़ी वेग हैं और एब्स्ट्रैक्ट हैं कि कुछ भी हो सकता है इट्स बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू परस्पेक्टिव है किसी का किसी के लिए कोई कोई चीज़ इक्वल है किसी के लिए नहीं है तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड पीपल वॉन्टेड अ शिफ्ट तो शिफ्ट क्या हुआ लोगों ने बोला कि वी डू नॉट वॉन्ट समथिंग वेग रैदर वी वॉन्ट समथिंग विद डिक्लेरेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ वट पीपल वॉन्ट्स सिंपल भाषा में बोलें तो पीपल वॉन्ट कि लॉ शुड रिफ्लेक्ट देयर जनरल विल तो लॉ क्या होना चाहिए जनरल विल ऑफ़ पीपल है वही एक लॉ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ था ये शिफ्ट हुआ एंड एज अ रिएक्शन फ्रॉम नेचुरल लॉ ठीक है तो रोमांटिक मूमेंट इट स्टार्टेड विद गुड इंटेंशन बट एट लेटर स्टेज इट लेड टू रेसिज्म इन जर्मनी एंड यू नो वेन देर इज एक्सट्रीम नेशनलिज्म एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है तो यू टेन टू फाइट विद अदर कंट्रीज एंड देर आर ऑल्सो फाइट ग्रूविंग इन साइड योर ओन कंट्री हाउ क्योंकि जैसे अगर एक इंसान है उसने एक ग्रुप ऑफ पीपल है उनको लगता है कि उनका रिलिजन या उनका कल्चर इज़ सुपीरियर और मोर ऑफ ही दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट एंड हाउ विल दे प्रोटेक्टेड बाई डिमिनिशिंग अदर पीपल्स अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के रिलीजन को तो ऐसे करके रेसिज्म पैदा होता है तो अगर आप खालिस्तानी मोमेंट की बात करें तो ये भी सेम चीज़ है इट्स ए नेगेटिव आउटकम ऑफ रोमांटिक रेवोल्यूशन राइट कि जहाँ पे आप अपना कल्चर रिवाइव करते हो और ये आपको लगता है कि मेरा कल्चर या ये तो बेटर है ये तो ज़्यादा अच्छा है तो उस उस चीज़ में आप क्या कर देते हो अगर आपने एक्स्ट्रीम उस सोच में चलेगा अगर योर आइडियोलॉजी दिस फंडामेंटलिस्टिक आइडियोलॉजी ऑफ योर्स इफ़ इट बिकम्स एक्सट्रीम तो इसमें नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं वे यू इधर वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम योर कंट्री लाइक इन खालिस्तानी मूवमेंट और यू डू समथिंग अगेंस्ट द रेस विच इज़ लिविंग इन योर कंट्री विच इज़ इन माइनॉरिटी जैसे जर्मनी में जूस के साथ जो हुआ था दोनों वर्ल्ड वॉर्स में तो ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं यहाँ पे तो कल्चर रिवाइवलिज्म के नेगेटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हिस्टोरिकल लॉ इससे डेवलप हो गया कि हिस्टोरी हिस्टोरिकल लॉ का आपको क्रक्स क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द जनरल विल ऑफ़ पीपल दैट लॉ शुड बी रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ पीपल उनका ट्रेडिशन उनका कल्चर उनका हिस्ट्री तो यहाँ से हिस्टोरिकल लॉ डेवलप हुआ है एंड पीपल स्टार्ट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर कल्चर एंड रिलीजन विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग बट नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ है जब ये चीज़ एक्सट्रीम में हो जाती है यू नो फंडामेंटलिज्म अगर एक्सट्रीम हो फंडामेंटलिज्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है डज लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर रिलीजियस बुक्स या होली बुक्स की बाइबल में या कुरान में ये लिखा है तो दैट इज़ हाउ इट शुड बी राइट ये है हमारा एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म और व्हेन वी ड्रा पैरेलल विद लीगल फंडामेंटलिज्म वी मीन कि फंडामेंटलिज्म जो एक नेशनलिज्म नेशनलिज्म या फिर जीनोफोबिया से भी यू नो इट ओवरलैप्स विद जीनोफोबिया मतलब दूसरी कंट्री या फिर दूसरे रेस के साथ योर प्रोजेडिस तो यहाँ पे क्या होता है सोसाइटी गेट्स डिवाइडेड मे बी ड्यू टू रेस कल्चर और लैंग्वेज एंड दीज फैक्टर्स ओनली हैड लेड टू नार्क्सिजम और फाशिजम इन जोमनी इटली तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ एज आई टोल्ड यू इट इट वॉज अ रिएक्शन टू नेचुरल स्कूल ऑफ थाट तो नेचुरल लॉ के लिए क्रिटिसम इनके क्या थे फर्स्ट था कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन समैक्टिकल रीजनिंग सारे प्रिंसिपल एब्सट्रैक्ट हैं ये बहुत अन रियल और इमेजिनरी भी है सेकेंड इनका था क्या था कि वैन जॉर्मन मिस्टिसज एंड एथोज वराट पी गए रोमांटिक पीरियड की बात हो रही है कि इन्होंने बोला कि जो हमारा कल्चर और हमारा ट्रेडिशन वी वॉन्ट तो टू प्रोटेक्टेड हम एक फॉरन लॉ को क्यों माने फ़ॉरन लॉ उस टाइम पर नपोलियन कोर्ट चलता था जर्मनी में थर्ड इनका यह है कि जोमनी वॉज हिट बाई इन्वेडर्स नेपोलियन ने इन्वेड किया था तो जोमनी एज अ रिएक्शन टू इट दे स्टार्ट प्रोटेक्टिंग दियर ओन कल्चर मोर राइट तो प्रोफेसर थियोबोर्ट और साविग्निक के बीच में एक फ़ाइट थी प्रोफेसर थियोबोट बोलते थे कि तो जोमनी है विच वॉज एट दैट पॉइंट इन फ्रैगमेंटेड पार्ट्स और हर पार्ट के डिफरेंट लॉ था तो थियोबर्ट बोलते थे कि एक नपोलियन लॉ कोड मानना चाहिए हमें ताकि हम पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर पाएं। बट सैवेग्नी ने ये यूनिफिकेशन और कोडिफिकेशन के अगेंस्ट थे नॉट यूनिफिकेशन के बट कोडिफ़िकेशन के अगेंस्ट थे सावेग्नी इन नाइन इन एटीन में इन्होंने सावेगनी ने एक पैम्पलेट इशू करा पैम्पलेट टाइटल्ड था ऑन ओकेजन ऑफ आर एज ऑन लेजिस्लेशन एंड जुरस्प्रूडेंस एंड आप मानेंगे नहीं इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इट डिलेड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ इन जर्मनी फॉर हाफ अ सेंचुरी एंड दैट इज़ इनफ टू टेल यू गाइज कि साविग्नी का रोल एक मॉडर्न जूडे में भी कितना इंपॉर्टेंट है ठीक है वो अब मैंने बोला कि साविग्नी कोडिफिकेशन के अगेंस्ट थे क्यों थे अगेंस्ट क्योंकि साविग्नी का मानना था कि लॉ विल बिकम रिस्ट्रिक्टेड अगर हम उसको कोडिफाई कर देंगे एंड इट विल बिकम सम लाइफलेस मकैनिकल मशीनरी एंड इट वोट ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट एनी बोर जैसे मैंने आपको बताया था कि साविग्नी अकॉर्डिंग टू हिम लॉ शुड बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच शुड बी इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग विद टाइम एंड लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री तभी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट के प्रम्पाउंडर भी हैं इन्होंने की बोर्ड की ये प्रपोजल है नपोलियन का इसको इन्होंने अटैक किया दो अटैक किए फर्स्ट अटैक ये था कि नपोलियन कोड विच वॉज मेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग जोमन पास्ट एंड कल्चर हाउ शुड जोमनी एंड वाई शुड जोमनी फॉलो इट अब जैसे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट में रोमांटिक पीरियड में बना था जहाँ पे पीपल वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दर ओन कल्चर अब नपोलियन कोड तो एक फ्रांस का कोड है अब ये जोमन पीपल में कैसे अप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो इट इज़ मेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग जोमन पास्ट एंड कल्चर सेकेंड अटैक ये था कि लॉ इज़ नॉट सम लाइफलेस डिवाइस लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक लाइन है लॉ रेस्ट लाइन आप लिखोगे एग्जाम में तो पक्का अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसका मतलब है रेस्ट का मतलब है और फोल्स भी जोमन वर्ड है रेस्ट का मतलब होता है एवॉल्यूशन एंड ग्रोथ फोल्स फोल्स का मतलब होता है फोक पीपल गीस्ट का मतलब होता है अगर आपने पोल्ट्री गीस्ट मूवी देखी है तो वहाँ पे भूत के बारे में मूवी है तो गीस्ट का मतलब होता है स्पिरिट तो बेसिकली यहाँ पे ये लाइन बोलती है कि लॉ का इवोल्यूशन और ग्रोथ शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल की स्पिरिट राइट दैट लॉ शुड रिफ्लेक्ट पीपल स्पिरट एंड नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट एंड आइडिया ऑफ वन सुप्रीम अथॉरिटी अब यहाँ पर आइडिया ऑफ वन सुप्रीम अथॉरिटी में क्या क्या इंडिकेट हो रहा है कि जैसे हमने पॉजिटिव स्कूल ऑफ थाट में पढ़ा था कि लॉ इज़ नथिंग बट अ कमांड बाय सोवरन यहाँ पर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थाट इसको डिबंक कर रहे हैं बोल रहे हैं कि नहीं लॉ एक किसी एक एक सुप्रीम अथॉरिटी का आइडिया नहीं होना चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन इट शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ अ जनरल विल ऑफ़ पीपल इट शुड रिफ्लेक्ट पीपल स्पिरिट उनकी हिस्ट्री उनका ट्रेडिशन उनका सेंटिमेंट तो ये जो थ्योरी है सैविग्नीस को हम बोलते हैं फोल्क्स गीस थ्योरी बेसिकली जनरल विल ऑफ़ पीपल साविग्नी ने अपनी जो पूरी थ्योरी है उसमें तीन मेन फीचर बताए हैं जिसके ऊपर पूरा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ भी बेस्ड है दैट वन फीचर इज लॉ इज़ डिस्कवर्ड एंड फाउंड विद इन पीपल दमसेल्फ एंड इट कैन नॉट बी आर्टिफिशली मेड एंड इन्वेंटेड सेकेंड है कि यह लॉ एक फंडामेंटली ऑर्गेनिक है लिविंग ऑर्गेनिजम है ये डेवलप करता रहता है ये इवोल्व करता रहता है जो आप बहुत परिमिटेड और फ्यूचर कम्युनिटी में देखेंगे है कि लॉ कोई स्टैगरेंट आइडियोलॉजी नहीं होल्ड करता कोई स्टैगरेंट प्रिंसिपल नहीं है विच पीपल विच फॉलो हर जनरेशन नो इट शुड रादर इवाल्व विद टाइम एंड थर्ड है इनका लॉ इज फ्यू जेनरेस फ्यू जेनरेस मतलब पिक्यूलर या यूनिक टू इट्स पीपल कि अब हर पीपल के लिए अलग लॉ होना चाहिए हर ग्रुप के लिए अलग लॉ होना चाहिए मतलब वाई क्योंकि लॉ शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड फोक लो अगर एक नेपोलियन कोड है जो फ्रांस में बनाए हैं हाउ कैन इट बी फॉलोड इन जर्मनी क्योंकि वो जर्मन पीपल की आइडियालॉजी या फिर उनके कल्चर या फिर हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है अब इनके फीचर्स तो बढ़िया हैं बट क्रिटिसिज्म भी इनको मिला है फोर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि ही इज अ पेसमिस्टिक अबाउट रिफॉर्म्स वाई की ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू कस्टम दैन लेजिशन कस्टम यहाँ पर आप देखेंगे हमने फोर्थ फीचर में पढ़ा था कि लॉ इज डिस्कवर्ड एंड फाउंड विद इन पीपल दमसेल्व अब ये डिस्कवर्ड एंड फाउंड क्या है ये कस्टम की बात कर रहा है ठीक है एंड सेकेंड फ्रेज़ है कांड भी आर्टिफिशली मेड एंड इन्वेंटेड वॉट इज इट इट इज़ अबाउट लेजिस्लेशन कि कोई रिफॉर्म लाना है तो बेसिकली इन्होंने कस्टम को सुपेरियोरिटी दिया है ओवर लेजिस्लेशन बट प्रोफेसर स्टोन जो कि एक दूसरे जूनिस्ट हैं इन्होंने बोला है कि

राइट इनका सेकंड क्रिटिसिज्म है कि सैविग्नीस फेल्ड टू एक्नॉलेज एक्सेप्शन टू हिस्स थ्योरी अब प्रोफेसर डायर्स ने बोला सैवेग्नी ने बेसिकली बोला था लॉ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ जनरल विल ऑफ़ पीपल प्रोफेसर डायर्स ने बोला कि ऑन पेपर तो इट लुक्स गुड कि हाँ ऐसा हो सकता है बट इन रियालिटी यानी इन प्रैक्टिकलिटी इज़ नॉट अ जनरल विल ऑफ़ पीपल विच इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट इज़ जस्ट अल ऑफ़ सोट फ्यू पावरफुल पीपल फ्यू रूलिंग जैसे कि आप देखो लॉ लीगलाइजिंग स्लेवरी अब ये जनरल विल ऑफ़ पीपल तो है नहीं कि स्लेवरी होनी चाहिए बट क्यों थोड़े पावरफुल पीपल को लगा कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे स्लेवरी से दैट इज़ वाई दे वांटेड स्लेवरी टू बी देयर तो हियर यू विल सी कि लॉ इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग जनरल विल ऑफ पीपल इट इज़ रिफ्लेक्टिंग व्यू ऑफ ऑफ सम्यू पावरफुल पीपल बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस लॉज इन इज थ्योरी साविक नी स्टिल कंसर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जियोस्ट ऑफ नाइनटीन सेंचुरी एंड बिकॉज फ्राम इज वर्क Modern jurisprudence was born. Thank you.